हाय गाइस, माय नेम इज सुधीर कोवे। आप सब लोगों को अपनी लाइफ चेंज करने की इच्छा है, अपनी लाइफ को बेहतर करने की इच्छा है। आप में से कई सारे लोग, एक पर्टिकुलर एरिया है आपके लाइफ का जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वेल्थ में, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ में, कुछ लोगों का स्ट्रगल चल रहा है रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं अपना लाइफ जो है इम्बैलेंस है। आप इमेजिन करो कि आपका लाइफ किस किस एरिया में इम्बैलेंस है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइफ में हर जगह पे हर कोई इस कश्मकश में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं उसका लाइफ बैलेंस करे। मैं कई लोगों से मिलता हूँ जहाँ पे मेरे को दिखता है कि जिसके पास पैसा है उसके पास हेल्थ नहीं है, जिसके पास हेल्थ है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास हेल्थ और पैसा दोनों है उसके पास अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, ही इज नॉट इन पोजीशन टू एंजॉय द लाइफ। तो ये स्ट्रगल हर एक का अपनी लाइफ में चल ही रहा है और इसी का नाम लाइफ है। दिस इज कॉल्ड एज लाइफ, इट हैपेंस, यू नो, यू नीड टू लिव द लाइफ एज इट इज। तो आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर पाएंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करते हो, कितने लोग है आपके सराउंडिंग में या आप खुद जो लाइफ चेंज करना चाहते हो और उनको पता ही नहीं कि क्या टूल है, किस तरह से अपने लाइफ को एक्चुअली चेंज कर सकते हैं, तो आज हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो सबसे इजी और आसान तरीका है अपनी लाइफ को चेंज करने का, वो है लिव इन द प्रेजेंट। आपने जो भी निर्णय लेना है, जो भी इंसिडेंट है, जो भी सिनारियो है, उसको एज इट इज लिव करना चाहिए। हम लोग आज का जो सिनारियो है, अगर आप खा भी रहे तो आपके मन में विचार चल रहे कल के या परसों के या आने वाले कल के, तो इस सिनारियो में यू आर मिसिंग दी प्रेजेंट मोमेंट। आप उस प्रेजेंट मोमेंट में जो आप खा रहे हो उसका टेस्ट, वो आपके शरीर में किस तरह से प्रवेश कर रहा है, वो आपके शरीर में किस तरह के इमोशंस ला रहा है, वो सब चीजें आप इग्नोर कर रहे हो, उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। और लिविंग इन द प्रेजेंट में भी आपने उन विचारों को प्राधान्य ज्यादा देना चाहिए, उन विचारों को ज्यादा महत्व देना चाहिए जो कि पॉजिटिव है। तो अगर आप प्रेजेंट में जीते समय पॉजिटिव विचार को ज्यादा महत्व दे पाओगे तो आपका लाइफ चेंज होगा। अब इसको अलग भाषा में बोला जाता है कि लिव द लाइफ यू वॉन्ट, नॉट द लाइफ यू हैव। मतलब अगर आपका पैर भी दर्द कर रहा है तो आपने उस तरह से अपनी लाइफ को जीना है कि देर इज नो पेन इन योर लेग। अगर आप रियलिटी के बियॉन्ड जाके कुछ इमेजिन करके जीने की कोशिश करते हो, उसी समय पे आपका मस्तिष्क कुछ ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे सिग्नल जनरेट करता है यूनिवर्स में, जो कि वापस घूम फिर के आपके लाइफ में आते हैं मल्टीप्लाई होके और आपको वो लाइफ देते हैं जो आपने इमेजिन की हुई। तो अगर आपने जो रियल लाइफ है आपकी वही इमेजिन की, उसको रेसिप्रोकेट किया, उसी को मैनिफेस्ट करने का या उसी के बारे में बातचीत करने का प्रयास किया, तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में वही होगा जो अभी हो रहा है। तो कई जगह आपने पढ़ा रहेगा कि कुछ तो भी ऐसा अलग करो अगर आपको कुछ अलग अचीवमेंट करना है लाइफ में, राइट? तो अलग क्या करना है, अलग विचार करना है। आपने ये भी लाइन पढ़ा है कि बिगिनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मीनिंग ये होता है कि जिन्हें जब भी उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की, उनका काम करने के तरीके में, मतलब भाव में, उनके काम करने के स्वभाव में, अंदाज में फर्क था। अंदाज क्या था, अंदाज पॉजिटिव था। अंदाज क्या था, अंदाज प्रेजेंट था। अंदाज क्या था कि उनकी लाइफ में उन्होंने वो फोकस रखा है कि रिजल्ट उनको पॉजिटिव मिलेगा। जब भी मैंने काफी बड़े और अमीर लोगों के साथ में रहा तो मैंने क्या देखा, दे लिव इन दैट मोमेंट, नो, दे वो नशे में जीते सक्सेस की। कभी भी वो कोई भी काम करने की शुरुआत करते तो वो पहले सक्सेस इमेजिन करते। सचिन तेंदुलकर ने जब भी मैदान में पैर रखा तो पैर रखने के पहले उनका रिचुअल था कि ही यूज्ड टू इमेजिन गेटिंग 100 इन दैट ग्राउंड, यू नो, ही यूज्ड टू इमेजिन पब्लिक अपलोडिंग फॉर हिम, तब पब्लिक तालियां बजा रहे हैं, उन लोगों ने उन्होंने सेंचुरी किया, इस तरह का भाव जनरेट करने के बाद वो ग्राउंड पे गए। तो अगर आप इसको अलग भाषा में विजुअलाइजेशन भी बोला जाता है, तो अगर आप खुद की लाइफ को इस तरह से विजुअलाइज कर पाओ जिस तरह से आपको जीना है, ना कि जिस तरह से आप जी रहे हो, तो आपको वो अचीवमेंट करना इजी हो जाता है। अब कई लोगों का ये कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करके क्या होगा, मैंने विजुअलाइज कर लिया और मेरे को मिल गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने विजुअलाइज किया और आपको मिल गया। पर जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी,
उसके कारण आपके लाइफ में वो चीज जो आपने विजुलाइज कर लिया है, विजुलाइज कर रहे हो, वो और पास में आएगी। अब उस चीज को ग्राफ करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ये मैं मानता हूं, पर सोच शुरुआत है। आप सोचोगे तो वो चीज आपके पास आएगी, फिर वो पास आने के बाद मतलब आपके सोच के कारण आपका सोने का पहाड़ आपके पास आ जाएगा, पर वो सोना खोदना आपको पड़ेगा। तो सोच के कारण आपकी लाइफ में थिंग्स आनी चालू होगी, लेकिन वो थिंग्स को मटेरियलाइज करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना ही सफलता की निशानी है। मराठी में बोला जाता है केल्यानी होता आहे रे आधीच केल्याची पाहिजे। तो आपने एक्शन लेना मस्ट है। इफ यू टेक एक्शन देन ओनली व्हाट यू आर थिंकिंग इज अ पॉसिबिलिटी। इफ यू डोंट टेक एक्शन देन व्हाट एवर यू आर थिंकिंग विल नेवर मटेरियलाइज इन योर लाइफ। आम अगर आपको खाने हैं तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। जब आप आम का पेड़ लगाते हो तो देर इज नो गारंटी कि आप 20 साल के बाद आम खाओगे, पर आपने आम का पेड़ नहीं लगाया तो ये इस बात की 100% गारंटी है कि आप आम नहीं खाओगे। तो सक्सेस का कोई गारंटी नहीं होता, पर अगर आपने वो काम नहीं किए जो आपने करने चाहिए तो 100% अनसक्सेसफुल होने का गारंटी होता है। तो दोस्तों इसी संदर्भ में आपको और कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिखो, वो क्वेश्चन के हम लोग आंसर देंगे। ये बड़ा जनरलाइज टॉपिक है, ये मोटिवेशन के ऊपर नहीं है, ये टेक्निकल टॉपिक है कि जहाँ पे आप विजुअलाइजेशन या डे ड्रीमिंग इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेके अगर आपने वो सब चीज़ें देखना चालू किया जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए और उसके संदर्भ में एक्शन लेना चालू किया, तो वो दिन दूर नहीं है जो जिस दिन आपका वो सपना पूरा होगा, जिस सपने को देख के आपने लाइफ को एंजॉय करना चालू किया था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।